पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों कदें टुटंदियों। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान लिबर्टी चौक लाहौर में 6 वगे जलसे के खिताब दौरान असेंबलियों टोड़ने की तारीख जो ऐलान कर जरियन मूजब असेंबली टोड़ने वाले ऐलान बाद पीटीआई इतिहाद में डफेट पैदा थी वो चौधरी परवेज लाही और मुनस लाही पारा इमरान खान के असेंबली टोड़ने वाली तारीख 2-3 महीनों तीन बढ़ाने की दरख्वास्त। चौधरी परवेज लाही समूरा कमकार छड़े ओचते दौरे से रावलपिंडी पहुंची वो अहम शख्स से मुलाकात जा इतला। चौधरी परवेज लाही और महमूद खान अज बीहर इमरान खान से मुलाकात कदा। सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेश काबीना इजलास में परवेज लाही से जड़े बाद इस्तीफा दे छी। नवाज लीग पारा पंजाब असेंबली के टुटण का बचाने लाए पंजाब के वे वजीर और स्पीकर खिलाफ अज बेतमादी रिथ जमा कराने जो इम्कान। लीगी क्यादत भी ग्रीन सिग्नल दे छो। नवाज लीग अगवान राणा मशहूद के घर थियल इजलास में नवाज लीग के 106 मेंबर शिरकत कर बेतमादी रिथ वाली दरख्वास्त से सही कर छ्यूं। जरियन मूजब नवाज लीग पारा अज बेतमादी रिथ जमा कराने जो इम्कान है। आइन मूजब बेतमादी रिथ जमा थे बाद असेंबली टोड़े न थी सके। सूबाई असेंबलियों टुटने वाले मामले से कड़ी हुकूमत अमली इख्तियार कई वे वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ नवाज लीग जो मुशावरती इजलास। असेंबली टुटने का रोकने लाए आइनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने गौर विचार। वजीर आजम के चौधरी परवेज लाही से बैकडोर गाल बाबत ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम आवाम के महंगाई का निजात दियण लाए सियासी इस्तकाम के बुनियादी शर्त करार दे छो। वजीर आजम शहबाज ने चाहे तो पाकिस्तान से वफादारी और दोस्ती की घुर्ज है तो मुल्क में मुआशी इस्तकाम हुए कैंकि कोशिश है मुल्क जो दिवालो निकली वे तो ये नई ही करी मुआशी सुरंगू विछाए वींदड़ हाँ सियासी बुनियादन में सुरंगू विछाने की साजिश सटे रहा है। असा आवाम के अटे और रोजगार की परेशानी का निजात दियारी। सुध समा वाली वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब है तो आवाम जो एतमाद टोड़ींदड़ हाँ असेंबलियों टोड़ने जो गालियों कर रहा है। असेंबलियों टोड़ने जो मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। उन में को भी शक ना है एजेंडा तहत मुआशी तबाही कई वही सियासी अदम इस्तेहकाम भी उनको ही तसलसल है। आवाम की हालत से रहम किया वे आवाम के महंगाई में निजात दियणी असल सियासत है। बिलावल भुट्टो जरदारी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आइनो दिखा छो। गडियल कौम के सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब कदे परे वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी है तो उसामा बिन लादन त मरी वो पर गुजरात जो कासाई मोदी अजा जीरो है जो भारत जो वजीर आजम बनी वो है। भारतीय हुकूमती गांधी की न पर गांधी के कातलन के नजरियात यकीन रखे थी और हिटलर का मुतासर है। सरहद पार का थींदड़ टीटीपी की दहशतगर्दन हाँ बर्दाश्त न कंदी पाकिस्तान दहशतगर्द जो जिम्मेवार मुल्क न पर दहशतगर्दी जो शिकार है। पीपुल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे लिए पुरजम है। सजी कौम दहशतगर्दी खिलाफ असा सा गड है। पड़ी वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन में अमरीकी सहाफिन से गाल बोल कदे नेशनल एक्शन प्लान से माजी में जी कोतई थी उहर न थन्द। पीपुल्स पार्टी पारा मोदी सरकार खिलाफ सिंध के जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज जो ऐलान। पीपुल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़े है तो बिलावल भुट्टो जरदारी गडियल कौमन में मोदी सरकार के आइनो दिखार है। मोदी सरकार की बिलावल भुट्टो जरदारी खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त न कंदी सुबह सजी सिंध के जिलों में हेडक्वार्टर्स में रैलियों कड़ी परे वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी से बदी जो इजहार किया। Thank you.
वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की कैडेट कॉलेज पेचारू में वालदेन के दिहाड़े वाली खसूसी तकरीब में शिरकत। वे वजीर मुराद अली शाह पारा एजाज मानदड़ कैडेट्स के मुबारकों। तकरीब के खिताब कदे वे वजीर सैयद मुराद अली शाह ही एक खुशी जो लम्हो है। नौजवान कैडेट्स के यूनिफॉर्म में ऐसी ढो मुतासर थोड़ा कैडेट कॉलेज पेचारू सिंध बेहतरीन तलीमी इदार है। ग्रेजुएट शागिर्द की कारकर्दगी में इदारे जो मयार वाजे थे तो तलीमी निज़ाम के ग्रेडन बदरान शागिर्द के किरदार की तरक्की से ध्यान दियन घुर्जे। वे वजीर मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोर पहुंची वो मेहरान यूनिवर्सिटी में छवी कॉन्वोकेशन की सदार कई। हाँ एंकर पर्सन आमिर लियाकत जो एतराज जोगी वीडियो ठाए वायरल कंदड़ संदस टिकटॉकर घरवारी दानिया शाह कराची की अदालत में पेश। अदालत दानिया शाह के जुडिशियल रिमांड से पुलिस हवाले कर छोड़ो। दानिया शाह खिलाफ आमिर लियाकत की धी एफआईए में दरख्वास्त दाखिल कराई हुई।